सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अक्सर मेरे व्यूवर का या फिर मेरे सब्सक्राइबर का एक कॉमन सवाल मुझसे ये होता है कि अगर हम अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले अपने यूट्यूब चैनल की जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है या फिर ऐसी वीडियो है जिसने मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा व्यूज मुझे ला के दिए हैं, तो यदि इस वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल से ही डिलीट कर देते हैं तो इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको इस बारे में ही बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वीडियो हो सकती हैं जिन्हें आपको डिलीट करना चाहिए या नहीं डिलीट करना चाहिए। और मान लीजिए आपने ऑलरेडी इस तरह की वीडियो यदि आपने डिलीट कर रखी है तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही केस में आपके यूट्यूब चैनल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में भेजते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर चेक की जाती हैं, जिनमें से दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि मोस्टली केसेस में देखी जाती है, जिसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके YouTube चैनल का थीम। अब मान लीजिए आपका जो YouTube चैनल है वो पर्टिकुलर किसी एक टाइप के कंटेंट पर बेस्ड है, लेकिन मान लीजिए कुछ बीच में कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आया या कोई वायरल टॉपिक आया जिसमें आपको लगा कि इस टॉपिक पर आपको भी वीडियो अपलोड कर देना चाहिए क्योंकि इससे आपको जो है वो कुछ व्यूज सब्सक्राइबर वगैरह मिल सकते हैं। इस वजह से मान लीजिए कोई ऐसा एक अलग टाइप का वीडियो आपने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जो कि आपके कंटेंट से सिमिलर नहीं है या आपके यूट्यूब चैनल के थीम से मैच नहीं करता है, उस केस में इस तरह के वीडियो को आपको डिलीट करना ही होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि जब आपके यूट्यूब चैनल रिव्यू के लिए जाएगा तो सिर्फ एक इस वीडियो की वजह से आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों, बिगेस्ट पोर्शन ऑफ वॉच टाइम, यानी इसका मतलब यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर यदि कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करी थी जो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई, अब हो सकता है कि वो कोई वायरल टॉपिक ही रहा हो जिसमें आपने कुछ टाइम के लिए उससे लाभ लेने के लिए उस तरह की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी, हो सकता है कि वो कोई एक कॉपीराइटेड कंटेंट हो या हो सकता है कि वो किसी दूसरे का कंटेंट हो, तो यदि इस तरह का कोई कंटेंट आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और आपके यूट्यूब चैनल पर जो 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है उसमें इस वीडियो का भी यदि योगदान है तो डेफिनेटली आपको यहां पर इस वीडियो को डिलीट करना ही होगा, अगेन आपकी ये मोनेटाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को दो ऐसे स्पेसिफिक रीजन बता दिए, मोस्ट ऑफ लोग जो है वो इसी रीजन की वजह से वीडियो डिलीट करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप अपने यूट्यूब चैनल से किसी भी वीडियो को डिलीट करते हैं तो इसके क्या निगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, फिर बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए निगेटिव पॉइंट में एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट जो है वो तो यही है कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो को डिलीट करते हैं या फिर ऐसी वीडियो को डिलीट कर रहे होते हैं जिस वीडियो की वजह से आपके यूट्यूब चैनल पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक डेली आ रहा होता है, डेली आपको काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे होते हैं, व्यूवर मिल रहे होते हैं, तो अचानक से ऐसी वीडियो डिलीट करते ही आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर वहीं पर रुक जाते हैं और वो जो एक एंगेजमेंट आपको डेली बेसिस पे मिल रहा था वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलना बंद हो जाएगा। सेकंड सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि जब आप इस तरह की एंगेजिंग या फिर कोई ऐसी अपने यूट्यूब चैनल की एक पॉपुलर वायरल वीडियो यदि डिलीट करते हैं तो इसका आपके यूट्यूब चैनल के परफॉर्मेंस पर भी कुछ हद तक फर्क पड़ता है, जिसमें से हो सकता है कि अगर आप इसके बाद कोई अपनी आने वाली वीडियोस अपलोड करें तो उनमें आपको आपका व्यूज वगैरह थोड़ा डाउन देखने को मिले। थर्ड सबसे बड़ा लॉस यही है कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल की इस तरह की वीडियो को डिलीट करते हैं तो वीडियो को डिलीट करने से आपके यूट्यूब चैनल पर जो वॉच टाइम उस वीडियो के थ्रू मिला था वो वॉच टाइम भी आपके यूट्यूब चैनल से डिक्रीज हो जाता है या फिर कहें घट जाता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर आपको उस वीडियो से मिले हुए होते हैं वो आपके यूट्यूब चैनल से कम नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के कि यदि आप वीडियो डिलीट कर रहे हैं तो निगेटिव तो आपने जान लिया, इसके पॉजिटिव साइड क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही होता है दोस्तों कि इस तरह की वीडियो को डिलीट करने पर ही आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो सकता है, क्योंकि जब तक इस तरह की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर रहेगी आपका यूट्यूब चैनल कभी भी यहाँ पर मोनेटाइज नहीं हो सकता है। यदि मान लीजिए यूट्यूब चैनल के लिए अप्लाई करने से पहले ही आपको उस वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, यहां पर आप 90 दिनों के लिए अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा ये भी होगा कि अगर आप उस वीडियो को पहले ही डिलीट कर देते हैं और अभी तक आपको उस पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन भी नहीं आया था तो इससे आप जो है वो तुरंत ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।